मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। भारत स्वाभिमान में हिंदू मुसलमान दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं और हम ऐसा मानते हैं कि भारत स्वाभिमान उस परंपरा की कड़ी है जो परंपरा 1857 में इस देश में शुरू हुई। 1857 की जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी, उस लड़ाई में 4.5 करोड़ भारतवासियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान थे, 3.5 करोड़ उसमें हिंदू थे और कंधे से कंधा मिला के उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। अब 1857 की लड़ाई में एक तरफ नाना साहब पेशवा थे तो दूसरी तरफ अजीमुल्ला खान, एक तरफ तात्या टोपे थे तो दूसरी तरफ मौलवी लियाकत अली थे, एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल। माने जहाँ जहाँ हमने देखा दस्तावेजों में, भारत के 350 स्थानों पर लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से, हर जगह हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ा। तो हम मानते हैं कि हमारा जो भारत स्वाभिमान है वो उसी परंपरा की खड़ी है, इसलिए इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आगे बढ़े। और हमारा ऐसा मानना है कि मुसलमानों को अलग करके भारत में कोई भी क्रांति हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस देश का अहम हिस्सा है। हमारे शरीर का कोई अगर अहम अंग है उसको हम ध्यान न दें तो शरीर ठीक नहीं रह सकता। तो बड़ा काम हमें करना है व्यवस्था परिवर्तन का, तो मुसलमानों को भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी की समस्या मुसलमानों की भी है, भ्रष्टाचार की समस्या मुसलमानों की भी है और हमारे देश में जो असमानता बढ़ रही है अमीर और गरीबों में वो मुसलमानों की भी समस्या है। तो हम जिन समस्याओं को हल करना चाहते हैं वो सब हिंदू मुसलमानों की साझा समस्याएं हैं, तो मिलके ही हल करें। इसलिए भारत स्वाभिमान में मुसलमानों का भी उतना ही स्वागत है जितना हिंदुओं का। और हमारा तो ये कहना है कि समाज का हर संप्रदाय इसमें जुड़ेगा, क्योंकि हम कोई जातिगत प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, कोई संप्रदाय के सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमने जाति और संप्रदाय के सवालों को बिल्कुल पीछे रखा हुआ, जबकि आज की वर्तमान राजनीतिक पार्टियां उन्हीं को प्रमुखता से आगे रखती हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो गरीबी का है, और गरीबी हिंदुओं में जितनी है उतनी मुसलमानों में भी है। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल अशिक्षा का है, अशिक्षा जितनी हिंदुओं में है उतनी मुसलमानों में। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार से मुसलमान भी परेशान है हिंदू भी परेशान है। तो इसलिए हमारे तो सवाल ही ऐसे हैं जिसमें सभी समाज के हिस्सों का भला होने वाला है, इसलिए सभी को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। सर एक बात और सर, संविधान बन गया योगा से स्टार्ट हुए अपन, और सर आज एक फ्रंट अपन ने बजाया कि अपन राजनीति अपने सांसद भी लड़ेंगे आने वाले टाइम 2014 में। इस सब क्या है, संविधान में कुछ लोग जो सुधार करता है, सारी चीज़ योग तक ठीक थी, दवाई तक ठीक है, अब लोग भी नौजवान बातें जब बाबा चुनाव भी करेंगे सत्ता में आना चाहते हैं, अपने साथ एम्प्लॉयज भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, सारा योग जरूर। तो मैं चाहते हैं जिस अपने जिले से जिनको अपने प्रभारी बनाया है तो वो एक कॉन्सेप्ट ये करें कि भाई क्यों नहीं हो सकते, आज एक अच्छी एक नई क्रांति की बात करते हैं बाबा, जो कोई नहीं करता आज की डेट में। हम चुनाव बाबा का चुनाव में भी रहे तो भी हम भाजपा को डालते हैं, कांग्रेस को डालते हैं, जिस पार्टी का जो वोट डाल, तो एक अच्छे व्यक्तित्व को क्यों नहीं। तो कुछ भ्रांतियाँ तो उनके लिए भी आप सजेशन दें कि इस तरह के लोगों को जो ये बातें जो क्वेश्चन उठते हैं उनको आप किस तरह से आपको जो है ये बात भी करें। इसलिए कहते हैं कि सत्ता जो लोगों को भ्रष्ट कर देते, भ्रष्ट कर देते, इसमें ध्यान देना चाहिए कि सत्ता किसके हाथ में है जी। भ्रष्ट वहाँ से व्यवस्था होती है जी, जैसे सत्ता किसी आपने ऐसे व्यक्ति को दे दी जो पहले से ही चोर है, बेईमान है, लूटखोर है, वो तो है, वो तो भ्रष्ट ही कर। हाँ। लेकिन वही सत्ता की डोर अगर आपने किसी सन्यासी और संत जैसे आदमी को दे दी, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया कि 17वीं शताब्दी में सत्ता की बागडोर समर्थ गुरु रामदास के हाथ में आई, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का हाथ में,
इसी सत्ता की बागडोर कभी चाणक्य के हाथ में आई तो उन्होंने चंद्रगुप्त को पैदा कर दिया। इसी सत्ता की बागडोर विद्वान और भ्रष्टों के हाथ में आई तो उन्होंने क्या हाल बना दिया। तो महत्व तो इस बात का है कि बागडोर आप किसके हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अब मैं बोलता हूँ आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, बाबा पूरे ऑल इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पे, आज की डेट में नाम के मोहताजी नहीं। जहाँ बाबा जाएंगे, जिसको कन्वेंस जिस जगह कर देंगे, वो आदमी उनकी 10% 20% बात को, माहौल को चेंज कर देंगे। जो लोग यहाँ पर प्रभारी बने हुए, जिनको हमने अध्यक्ष बनाया हुआ है, उनके बात भी अब दय दायित्व सौंपने का टाइम आ गया। 2014 को अगर हमने संघ बजा दिया कि हम अपने सांसद बढ़ाएंगे, तो फिर उस लेवल से वो ग्रांड लेवल से काम करें। फिर ग्रामीणों में भी 5% लोग ही अपने कार्यक्रम को समझ रहे हैं। अपन चाहते हैं इस पर फिर बहुत मेहनत हो, जो आग आप लगा के जाते हैं उस आग को हम और तेजी से लोगों के बीच में दें। आप कंसेप्ट को हम अपने लोगों को समझा पाए कि साहब हम भारत संविधान से जुड़े हैं, हमारा कंसेप्ट ये है। और छोटे छोटे से मुद्दों पे हमको वोट पे आंदोलन में आना पड़ेगा। जैसे करप्शन के मामले में छोटी छोटी सी बातें मिलावट के ऊपर है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आंखों से देख रहे हैं, उसके बारे में हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। जैसे मिलावटी के ऊपर है, पेट्रोल लोग कहते हैं, डेली सुनते हैं पेट्रोल मिलावट में आ रहे हैं, खाने के सामानों में मिलावट हो रहा है। आज हमारा एरिया सबसे ज़्यादा कटनी ज़िला है जो रेवेन्यू के मामले में इंदौर के बाद सेकंड नंबर रखता है, कटनी। तो भ्रष्टाचारी का भी लोग बोलते नहीं है, दो नंबर का भाव ये होता है। उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आपकी आपके आदेश भले छोटे छोटे से, यातायात की स्थिति ये है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। रजिस्ट्रार है, एक नंबर की रजिस्ट्री करवाने में जाओ तो भी इनको पैसा देना, लोग पैसा देते हैं और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो वो जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ भाई, जो आप जो हम लोग बात बताई जा रही वो तो हम लोग कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग देख के जुड़ेंगे हमसे। बहुत से लोग तुम्हारे से जुड़े जाना है कि ठीक है संबंध से जोड़ दिए भारतीय संविधान के, आपको सदस्य बनना, और जुड़ने के बाद अगर बैठ जाओ और कुछ नहीं करो तो बात नहीं है। अब हम छोटे छोटे से अगर आप ये दें कि छोटे छोटे सी बातों पर जो रूल्स रेगुलेशन के अंदर आते हैं उनमें हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें क्या होने वाला है कि अगले 2 साल के बाद जी, ये जो आपने उदाहरण दिए है ना जी, इन पर हम आंदोलन 2 साल बाद शुरू कर रहे हैं जी। अगले 2 साल तक हम संगठन निर्माण का काम पूरा करना चाहते हैं जी। और संगठन में एक शक्ति जुड़ जाए जी, एक बार शक्ति आ जाए जी, तो फिर क्या है कि ये जो छोटे और बड़े आंदोलन जो सब शुरू होंगे अपने जो लोकल इश्यूज पे होंगे, रीजनल इश्यूज होंगे, क्षेत्रीय विषय होंगे, स्थानीय विषय होंगे, इनके आंदोलन 2 साल बाद करेंगे। और हो सकता है कि बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन भी हम करें, जरूरी वो तो करना पड़ेगा ना। और 2 साल तक हम संगठन बना लें जी, उसके बाद हम सबके लिए तैयारी। और युवा के ऊपर ज़्यादा हम लोग रहिए कि युवा ज़्यादा अभी ज़्यादातर युवाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान जी, देना है जी, क्योंकि भारत की 64 करोड़ की आबादी तो युवाओं की ही है सर। और हर हर बड़ी क्रांति में, हर बड़े परिवर्तन में उनका बड़ा योगदान रहा है जी, उस पर तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है। युवाओं पर ध्यान देना है, किसानों पर ध्यान देना है, हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है उन पर ध्यान देना है, क्योंकि क्रांति में सबसे आगे यही लोग हैं, तो इन पर तो ध्यान देना है। हाँ, ग्रामीण में भी अपना देश कम है, 10% लोग बढ़ाना है। गांव में भारत स्वाभिमान को ज़्यादा तेजी से बढ़ाना, और छोटे छोटे गांव तक नहीं जाना। तो हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति इस समय लगी हुई है कि किसी तरह से 13-13.5 लाख युवा शिक्षक हो जाए, तो हर गाँव में हम 2 युवा शिक्षकों को भेज सकते हैं, ये हमारी। सर कार्यकर्ता सम्मेलन भी 1-4 महीने में बीच में रखें, जैसे प्रोग्रेस मांगे हम कि क्या यहाँ क्या हो रहा है। बीच बीच में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी कर लें, प्रशिक्षण शिविर भी कर लें जी, ताकि उसमें हम तैयार कर सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा जी लोगों के बीच में जाते हैं, ये दोनों ही करना है जी। बात थी तो सर हम लोगों ने कहा कि सबसे मिलकर पर दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।